हेलो अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले आपने हमारे एक वीडियो देखा था जिसमें आयला ने उर्दू बोलने की कोशिश की थी। आज उस वीडियो का पार्ट टू है क्योंकि हम आ गए हैं नेक्स्ट लेवल पर। आज आयला जरा एडवांस्ड उर्दू बोलेगी और सबसे पहले इरम आप एक जुमला बताएं जो आयला रिपीट करेगी। मैं स्कूल जाती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ। जाती जाती ओके अगला जुमला है मैं आठवीं जमात में पढ़ती हूँ। अगेन मैं आठवीं जमात में पढ़ती हूँ। मैं आठवीं 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 आठ आठ मी मैं आठवीं मैं आठवीं जमात जमात में पढ़ती पढ़ती पलती नहीं पढ़ती पढ़ती ड ड ड पढ़ती पढ़ती हूँ हूँ मैं आठवीं जमात में पढ़ती हूँ। मैं आठवीं जमात जमात में पढ़ती हूँ मैं पढ़ती हूँ। ओके शाबाश चले अच्छी है पढ़ती। अगला जुमला है पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलते हैं। पाकिस्तान में लोग आपके आपके नहीं पाकिस्तान में लोग आपके आपके नहीं या आयला का फेवरेट वर्ड है। आपके का मतलब होता है योर्स। अच्छा पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलते हैं उर्दू बोलते हैं। ओके अगला जुमला इरम आप बताएं। मेरे तीन भाई हैं। ओ शाबाश गुड जॉब गुड जॉब। मैं अपने भाइयों की बहन हूँ। मैं अपने भाइयों की बहन हूँ। शाबाश इसका मतलब है कि मैं आई एम द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स। अच्छा अब आपने कहना है मेरे डैड आपके डॉक्टर हैं। No, I don't understand. मेरे डैड आपके डॉक्टर हैं। शाबाश। अच्छा अगला जुमला होगा इरम आपकी तरफ से। अच्छा अगला जुमला मेरी तरफ से है। आपने कहना है कि मुझे अचार गोश्त पसंद है। मुझे अचार गोश्त पसंद है। शाबाश वेरी गुड। एक दफा फिर कहें मुझे अचार गोश्त पसंद है। शाबाश। और एक्चुअली आयला को पसंद भी है क्योंकि जब हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे जाते हैं ज़ोक वहाँ पर हम पूरी फैमिली बल्कि हमेशा अचार गोश्त ऑर्डर करती है और आयला भी खाती होती हैं। बल्कि आयला थोड़ा सा सलाद खाती हैं बाकी का गोश्त मैं खाता हूँ। अच्छा आयला अगला जुमला अब मेरा है थोड़ी सी जाना गेम को एडवांस करें ठीक है। आयला अब आपने एक जुमला कहना है जो बिल्कुल सच भी है और वो ये है मैं हर वक्त YouTube देखती हूँ। मैं हर वक्त YouTube देखती हूँ। शाबाश एक बार फिर मैं हर वक्त YouTube देखती हूँ। इसका मतलब है कि आई एम वॉचिंग YouTube ऑल द टाइम। नाइस ओके ओके अगला जुमला इरम आपकी तरफ से। अब खिजां का मौसम है। अब खिजां का मौसम मौसम है। शाबाश आयला आपने कहना है मेरे वालिद साहिब दुनिया के बेहतरीन डैड हैं। समझ आई ना। मेरे वालिद साहिब दुनिया के बेहतरीन डैड हैं। ओ थैंक यू आयला थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा अगला जुमला इरम की तरफ से। हाँ जी मेरी अम्मी मेरी वालिदा मेरी वालदा दुनिया की सबसे अच्छी सबके बाद ये तो काफी हो गई। ये तो ठीक है चले आप कह लें मेरी वालिदा दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं।
अम्मी है। हाँ वाकई, ये सब मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सबकी अम्मियाँ दुनिया की सबसे अच्छी अम्मियाँ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हेलो मॉम, हेलो आंटी, सब हमारी तरफ से आप सब बहुत अच्छी हैं। मेरे भाई को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। मेरे भाई को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। बहुत शौक है मेरे भाई को गाड़ी चलाने का। मेरे भाई को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है वाकई। यूसुफ 18 साल के हो गए हैं, अगले हफ्ते उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस का इम्तिहान देना है और हमें पूरा यकीन है कि वो पास कर जाएंगे, और इसका मतलब ये भी हुआ कि मेरी गाड़ी गई है ना। पहले से यूसुफ ने अपनी नज़रें मेरी गाड़ी पर रखी हुई हैं, और जो ही यूसुफ को लाइसेंस मिलेगा तो मेरी गाड़ी गई, तो मुझे कुछ और फिर अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसका मतलब है मैं शायद अब बस लेकर जाऊंगा, या मैं ट्रेन पे जाऊंगा, या शायद मैं पैदल जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक साइकिल भी हो सकती है, सर्दियों में पता नहीं किस तरह चलेगी, यहाँ पे बर्फें पड़ती हैं बहुत। ओके लास्ट वर्ड आयला, लास्ट सेंटेंस आप तैयार हैं? ओके आखिरी जुमला आयला के लिए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब है। चलो ठीक है, देखा ये वाला जुमला मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये वाला बच्चा हर वक्त यूट्यूब देखता है और बीच में चैनल और सब्सक्राइब वगैरह आसानी से आ गया। ठीक है, शाबाश आयला, आयला के लिए तालियां, बहुत अच्छा आपने, वेल डन, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये वाला वीडियो भी देखा। आयला उर्दू सीख रही है और जल्दी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, और ज़रूर हम सब आपके सामने आएंगे, और मेरा ख्याल है पूरा एक एपिसोड आयला उर्दू में बनाएगी। ठीक है, चैलेंज जी जी बच्चे। ओके, खुदा हाफिज़।